Amran Group's interior designing and construction. Contact on the numbers given below. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर, आज की बड़ी अफसोसनाक खबर, क्योंकि हमारे मुस्लिम माशरे में इस तरह के वारदात अक्सर हो रहे हैं। तो नाज़रीन आइए आपको दिखाते हैं ये खास खबर। इसी साल 27 जून को शादी होती है रुखसाना बेगम की मुस्तफ़ा के साथ। खैर 6 महीने की ये दुल्हन दूल्हा है, 6 महीने के अंदर ही इनका तलाक हो जाता है। रुखसाना बेगम के बयान के मुताबिक इनके शौहर का ये कहना था कि तू मेरे को पसंद नहीं है, मेरे माँ बाप के कहने पर मैंने तुझसे शादी की। इस तरह से इल्ज़ाम आयद कर रही है और दहेज के ताल्लुक से भी कहा हमको दहेज में ये चाहिए वो चाहिए। खैर दूल्हा दहेज मांगता है या नहीं मांगता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से जब भी मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तब तब दहेज की बात ज़रूर सामने आती है, जबकि इसमें से 90% से एलिगेशंस गलत साबित होते हैं। बहरहाल रुखसाना बेगम मोहम्मद मुस्तफ़ा पे क्या इल्ज़ाम आयद कर रही है और इनका तल्लक क्यों हुआ है, आइए तमाम तफसीलात हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं रुखसाना बेगम की जुबानी। एक तारीख को आके मेरे को तलाक तलाक बोल के चले गए लड़के, गालियाँ वही देने के। फिर उसके बाद मैं फोन पे फोन करी तो 12 तारीख को फोन उठा के भी वैसे बोल के स्विच ऑफ करके फेंक दिए। अभी भी फोन बंदिश है उनका, तो मैं पीएस में जाके कंप्लेंट करी तो पुलिस वाले सपोर्ट करे, हरीफ भी आए कि सपोर्ट करें, अच्छे से उनके नाम पे केस करें। हमने को क्या बोल के कंप्लेंट दिया? उन्होंने को 3 तलाक बोले बोल के कंप्लेंट करे। अब मेरे को इंसाफ होना, दांत ऊपर है बोल के मेरे को छोड़ दिए उन्होंने। तलाक तलाक बोल दिए, तेरे दांत ऊपर है बोल के, तू मेरे को पसंद नहीं है। मेरे अम्मी बोले, मेरे घर वाले बोले बोल के शादी करा मैं, नहीं तो नहीं करता था। अब तू नहीं होना मेरे को बोल के ऐसा तलाक तलाक बोल दिए, तो मैं कंप्लेन करी। बस मेरे को इंसाफ हो। नगर फोल सिटी में रहने वाला शख्स मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा, वालिद का नाम अहमद, हाउसिंग बोर्ड की एक मासूम बच्ची के साथ जो है ना कार है, बंगला है, गाड़ी है, कपड़े की दुकान है बोलकर रिश्ता लेके आकर रिश्ते से शादी कर 5 लाख जोड़े की रकम और सोना वगैरह हर चीज़ डाइनिंग टेबल से लेके सुई से लेके धागे तक दिए ये लोग। उसके बाद शादी के बाद जो है ना जब तक रिश्तेदार घर में थे बच्ची को टॉर्चर नहीं करे, 1 हफ्ते के बाद रिश्तेदार जाने के बाद बच्ची को हमार किस्म के टॉर्चर करे, मारना तोड़ना, हाउस अरेस्ट कर दिए 15 दिन। इनके मम्मी का फ़ोन करे तो इसी का फ़ोन लिफ्ट नहीं करे। 15 दिन के बाद जून 27 में शादी हुई, 29 के दिन वो लोग गए, माँ भाई जाकर देखा तो बहन बीमार पड़े हुई है, तो भाई जो है ना उठाकर जो है ना बहन को लेके आके ट्रीटमेंट वगैरह कर काबिल बनाया। काबिल बनाने के बाद अक्टूबर 3 को आके ले लेके जाते बोल के भी ले लेके नहीं गए। जब अक्टूबर 1 को वो लड़का हाउसिंग बोर्ड आकर वो बच्ची को गाली गलौज कर मान तोड़ कर तल्ला तेरू मेरे को कोई रिश्ता नहीं है, तेरे दांत ऊपर है, तू मेरे को पसंद नहीं है, तू मेरे माँ बाप की पसंद है बोलकर कहने टॉर्चर करने लगा। उसके बाद भी लड़की ने कहा कि गुस्से में बोल दिए होंगे बोल के खामोश बैठी। उसके बाद भी 1 तारीख से 11 दिन बच्ची वेट करके फिर कंटिन्यू फोन करते रहे तो भी लिफ्ट नहीं करा। फिर जो है ना 12 तारीख के दिन फोन उठा कर कहा कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैंने जो है ना 1 तारीख को तुझे तल्ला बोल दिया, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, गाली गलौज कर फोन रख दिया। उसके बाद बच्ची पीछे बड़ा पीएस में गई, कंप्लेंट करी। उसके बाद जो है ना तिपुर तल्लाक का कंप्लेंट होने के बाद मेरे को मालूम हुआ, मैं गया इंस्पेक्टर ACP साहब से भी बात करा। मैं ACP साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये केस बुक हुआ और हर मुसलमान बच्ची पे जो तिपुर तल्लाक का जुल्म जो बच्चियाँ सह रही है वो खामोश नहीं बैठना है, इंसाफ के लिए आगे बढ़ते हुए इंसाफ लेना है, क्योंकि ये तिपुर तल्लाक सुप्रीम कोर्ट बैन करा और नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट भी जो है ना ऐसे जो तल्लाक बोलने वालों के खिलाफ काम करते हुए कानून पास करी। मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि जो भी तिपुर तल्लाक का केस आए फौरी वो बच्ची को बिठा कर उसकी तमाम तफसील लेकर उन लोगों पर केस बुक कर ऐसे 420 लोगों को जेल में सलाखों के पीछे डाल दिया जाए।
अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें, एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।